नमस्कार दोस्तों, आज जनता कर्फ्यू लागू हुआ और सभी लोग अच्छे मन से पालन भी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में केवल एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर 22 मार्च को ही ऐसा क्यों? मोदी सरकार ने ऐसा क्यों ऐलान किया 22 मार्च को ही? इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है। आप सुनेंगे तो आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा, वाह मोदी जी। दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में कोरोना वायरस को भगाना है, मोदी जी का साथ निभाना है, ये लिखना मत भूलिएगा। डॉक्टर जे जोस के अनुसार 22 मार्च रविवार ये आम दिन नहीं है। इस दिन तीन महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिसमें असरकारक सतबिस नक्षत्र, राक्षस योग और शिवरात्रि है। इस दिन घरों में रहकर लोग ईश्वर आराधना के साथ तालियां और घंटे बजाते हैं, तो वो ध्वनि चमत्कार का काम करती है। ध्वनि की तरंगे आसपास के हर बैक्टीरिया को खत्म करती है। इटली और स्पेन में भी हो चुका है प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, इटली और स्पेन में भी ऐसा प्रयोग हो चुका है, उसी का फॉलो मोदी भी कर रहे हैं। इटली में लोग अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया था, खिड़की तक बंद कर लिया था और बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाकर वायरस के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता देते हैं घंटी, ताली और शंख बजाने का क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन क्या है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार हमारी हथेली में पूरे शरीर के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रभाव पहुंचने लगता है, जिससे उससे संबंधित बीमारी नहीं होती है। हथेली में स्थित इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका है ताली बजाना। जब हम ताली बजाते हैं तो हथेली के सारे दबाव बिंदु दबते हैं और संबंधित अंगों तक खून और ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है। ताली में बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए। इस प्रकार ताली बजाने से फेफड़े, लीवर, पित्तशय, गुर्दे, छोटी आंत और बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की उंगली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं। इससे इन अंगों तक खून का प्रभाव तीव्र होने लगता है। इस तरह की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक हथेली लाल न हो जाए। ताली बजाने से कब्ज, एसिडिटी, मूत्र संक्रमण, खून की कमी व श्वास लेने में तकलीफ जैसे रोगों में भी लाभ पहुंचता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सकों के अनुसार ताली बजाने से डिप्रेशन, अनिद्रा, स्लिप डिस्क, स्पोगोलाइसिस और आंखों की कमजोरी जैसी समस्याओं में काफ़ी लाभ पहुंचता है। प्रतिदिन अगर नियमित रूप से 2 मिनट भी तालियां बजाई जाए तो फिर किसी हठ योग या आसनों की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।